दोस्तों, आप देख रहे हैं सूरत का फेमस जलेबी और फाफड़ा, और साथ में मिर्चा पड़ा हुआ है। तो आज हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं, ये जलेबी तो आपको पता है कैसे बनती है, बताया हमने एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में, और आज फाफड़ा बताएंगे कैसे बनेगा। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो लेके एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं, और आप देख पा रहे हैं बहुत सारे नमकीन पड़े हैं, और ये पापड़ी है, गुजरात की फेमस पापड़ी, और आज हम आपको बताएंगे पापड़ी कैसे बनती है। तो आपको ले चलते हैं सीधे भाई साहब के पास और बात करेंगे भाई साहब से, और पूछेंगे पूरा डिटेल बताएंगे आपको ये पापड़ी कैसे बनाते हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश। तो दिनेश भाई, आप हमारे व्यूअर को बताइए कि पापड़ी आप कैसे बनाते हो, कैसे प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? तो डालना पड़ता है। हाँ, पानी डालना पड़ता है। नहीं, ये मतलब ये आप जो तैयार करे हो माल, ये जो तैयार माल है आपका, हाँ। इसको कैसे बनाए हो आप? आटा डालना पड़ता है। अच्छा, आटा हो गया, बेसन? हाँ, बेसन। और मशीन में डालना पड़ता है। नहीं, बेसन के अंदर पानी मिला है और दूसरा कुछ चीज डाले हो? आता है, नमक डाल दिए हो बेसन में, हाँ। पानी हो गया और तीसरा वस्तु कुछ नहीं है। दोस्तों, जैसा नॉर्मली जैसे बाकी आइटम बनते हैं बेसन के, उसी तरह के इसी को बना, लोट बना लिया है, पूरा तैयार कर लिया भाई साहब, और अभी इसको ये मशीन में डालेंगे। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि मशीन यहाँ पे कुछ अलग से हटके मशीन है, ये देख पा रहे हैं, ये बड़ी सारी मशीन है, और इसी के अंदर ये माल डाल देंगे भाई साहब। एक ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे माल डाल देंगे। कितना माल डाल सकते हैं एक बार में? किलो भी हो जाता है, दो किलो भी जाता है। बराबर है। तो अभी आपने कितना माल डाल दिया है? एक किलो ज़्यादा हो गया। एक किलो माल डाल दिया है। तो दोस्तों, अभी आप देखेंगे ये पापड़ी कैसे बनेगी, और ये भाई साहब यहाँ पे ये देख, ये हमारा अंदर से ये मशीन इलेक्ट्रिक मशीन रहती है, बिजली से चलती है ना। तो ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे पापड़ी दोस्तों, भाई साहब ने एक बार में कितनी पापड़ी होगी अंदाज से? एक किलो हो जाती है। एक बार में एक किलो पापड़ी तैयार हो जाती है। बराबर। तो एक किलो आटा जो डालते हो वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, देख पा रहे दोस्तों। और यहाँ पे आपको बाजू में दिखाएं तो बहुत सारा ढेर लग गया है। तो ये कितनी पापड़ी आप निकाल रहे हो आज टोटल? 10 किलो आटे की निकाल रहे हो। तो डेली निकलती है इतनी? डेली की। दोस्तों, यहाँ पे दुकान बहुत फेमस दुकान है और अच्छी खासी यहाँ पे सेल है, इसलिए 10 किलो की पापड़ी यहाँ पे। और इस पापड़ी को जलेबी के साथ खाते हैं दोस्तों, आपको जलेबी भी दिखा देते हैं। ये जलेबी फाफड़ा जो कि सूरत का सबसे फेमस आइटम, और आप देख पा रहे हैं ये वाली जलेबी है, और ये फाफड़े के साथ खाई जाती है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन आइटम। और इसके बनाने का तरीका भी यहाँ पे बहुत ही हाई फाई तरीका है, तो आप देख पाए हैं भाई साहब, ये पूरा ऐसा आटा का पूरा गोला बना दिया है, और उसके बाद इसको मशीन में डाल देंगे। तो इसमें क्या है, एक ही क्वालिटी, एक टाइप की क्वालिटी बनती है, और हाइजेनिक तरीके से बनता है, साफ़ सुथरा, तो बहुत ही अच्छी है। अभी हमारी एक बार फिर से भाई साहब यहाँ पे बनाएंगे। ये मशीन रेडी हो गई, इसी मशीन से बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। कितने आइटम बना सकते हैं? बन जाता है 12-15 आइटम अलग अलग टाइप के इसी मशीन से। आगे इसका जो जाली लगा के, अलग अलग जाली लगा के अलग अलग आइटम बना सकते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं पापड़ी बन रही है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो का एक लाइक हमारे लिए मोटिवेट करता है दोस्तों, हमारे को एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप देख पा रहे हैं भाई साहब ने बना के यहाँ पर पूरी देखो आप, रोज़ 50 किलो आटे की भाई साहब बता रहे हैं, 50 किलो आटे की डेली यहाँ पे पापड़ी बिकती है। तो 50 किलो के आटे देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पापड़ी होता है। दोस्तों, मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।